न्यू दिल्ली से करीब करीब 3500 किलोमीटर दूर एक इंसान का एक आदमी का एक शाम को सूप पीने का बड़ा मन किया। वो मार्केट गया, उसने सूप लिया और उस सूप का जो बिल है वो आज तक पूरा का पूरा वर्ल्ड चुका रहा है। वेलकम बैक टू ट्रैवल एकेडमी ओरिजिनल्स। माय नेम इज गौरव केरा और आज जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो उसने हम सबको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। अब ये चाइना ने किया है या एक्सीडेंटली हुआ है ये तो सबके सामने आ ही जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब क्या होगा, जब COVID-19 का या तो इलाज आ जाएगा या फिर उसकी वैक्सीन बन जाएगी या खुद ब खुद खत्म हो जाएगा जैसे पहले के कई वायरसेस खत्म हुए हैं, तो क्या होगा। सो आई हैव मेड सम पॉइंट्स जो पॉसिबल है कि जब COVID-19 खत्म हो जाएगा कंप्लीटली उसके बाद ये चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें कि हम कहां होंगे और हमारे आसपास की चीजें कहां पर होंगी। सबसे पहली चीज वो है जॉब रिडक्शन। अब ये कोई ब्रेकिंग न्यूज तो है नहीं क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी बिजनेसेस इस COVID-19 की वजह से या तो बंद हो गए हैं या फिर लॉसेस में चले गए। इसका मतलब फ्यूचर में ये सारे के सारे बंद हो सकते हैं। जब भी ये बिजनेसेस बंद होते हैं इसके साथ जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं जो यहाँ पर काम करते हैं उन सबकी जॉब जो है वो चली जाती है और बहुत ज्यादा चांसेस क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब ऑलरेडी जा चुकी है और कई लोगों की जॉब जाने वाली। अब यहाँ पर एक अच्छी न्यूज भी है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना से निकल रही हैं बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, क्योंकि उनको उनकी जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने उनको एडवाइस किया है कि चाइना के अंदर ज्यादा ना ही रहो तो अच्छा है, तो वो कंपनीज वहां से निकल रही है करीब करीब 1000। लेकिन वो कंपनीज जो है वो इंडिया में नहीं आ रही है सारी की सारी, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो वियतनाम में जा रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियोस, लेकिन ये माना जा रहा है कि करीब करीब 100 से 300 जो फर्म्स हैं जो कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वो इंडिया आएंगी और यूपी सरकार ऑलरेडी इनमें से बहुत सारी कंपनी से बात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जॉब्स जहां पर कम हुई है वहां कहीं ना कहीं बढ़ेगी भी, लेकिन क्या जितनी जॉब्स गई हैं उसके बदले में उससे ज्यादा जॉब्स आएंगी या उससे कम आएंगी वो कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ है। अब जब जॉब्स नहीं होंगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा और लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो यहां से हमारा दूसरा पॉइंट आता है जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक फिजिकल एक मेंटल। फिजिकल प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत टाइम से घर बैठे हुए हैं और फ्यूचर में हो सकता है कि जिम्स और स्पा जो है वो काफी टाइम तक नहीं खुलेंगे और उस वजह से हमारी हेल्थ जो फिजिकल हेल्थ है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। आई हैव सीन अ मीम, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि जब भी मोदी जी आकर के बोलते हैं कि मेरे प्यारे साथियों और लिखा हुआ था कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरीके से जिम्स बंद है अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली बार मोदी जी आकर बोलेंगे कि मेरे प्यारे हाथियों। सो दैट्स अगेन अ क्रिएटिविटी दैट वी हैव, लेकिन जिस हिसाब से ये सब चीजें चल रही हैं बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। फिजिकल प्रॉब्लम इज एट वन साइड जहां पर हमारा बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी बढ़ चुका है बॉडी फैट और फ्यूचर में होने वाला ये है कि बहुत ज्यादा और बढ़ सकता है। दूसरी बात रही मेंटल प्रॉब्लम की। अब मेंटल प्रॉब्लम में ना दो सबसे बड़ी जो है क्रिटिकल चीजें हैं, एक जो है वो है एंजाइटी और दूसरी है डिप्रेशन। एंजाइटी उन लोगों को होती है जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो कि फिलहाल हमारी अभी की सिचुएशन है कि हम लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा और बहुत सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी एंजाइटी में है। लेकिन साथ साथ जो डिप्रेशन होता है ये होता है जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज ने ये भी बताया है कि जैसे ही सब कुछ खुलेगा, जैसे ही COVID-19 खत्म हो जाएगा, वैसे ही लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन हैपेंस व्हेन यू थिंक अबाउट द पास्ट। तो जैसे ही सब कुछ खुलने वाला है वैसे ही बहुत सारे लोग जो है सोचना शुरू कर देंगे कि हमारा जो बिजनेस था या जो हमारा काम था वो कितना अच्छा था एंड दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद नाउ। तो ये दो प्रॉब्लम जो है हेल्थ में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तीसरी चीज जो ये आपने जरूर देखी होगी कि कई लोगों को, हमें से बहुत सारे लोगों को अपने साथ जीना आ गया, यू नो वी स्टार्टेड लिविंग विद अस। आप लोग देखते होंगे कि FB पे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों ने आजकल नई नई रेसिपीज के साथ चीजें बनानी शुरू कर दी हैं। मुझे तो
हलवाई की दुकान जो है बड़ी खतरे में लग रही है. दिस बिजनेस इज एक्चुअली इन वेरी बिग डेंजर. द वे पीपल हैव नाउ रियलाइज्ड कि किस तरीके से जो है ये सारी की सारी चीजें बनाई जाती हैं. यू नो आई हैव लर्नड डिश वॉशिंग. मेरे को मार्क्स मिलते हैं घर में डिश वॉशिंग की कि आज अच्छा था या परसों नहीं था. एंड आई हैव नेवर डन दैट बिफोर. नेक्स्ट टास्क जो मुझे मिलने वाला है वो है मॉपिंग का. तो पोचा लगाना इज अ नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव. सो सबने कुछ ना कुछ सीखा है. कुछ ना कुछ उनसे करवाया जा रहा है जबरदस्ती या प्यार से या वो खुद करना चाहते. वहीं पे कुछ लोगों ने गेम्स खेलनी शुरू करी. वहीं पे कुछ लोगों ने जो है बुक्स पढ़नी शुरू करी. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस फेज. सो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप अपने साथ जीने के लिए तैयार हैं. इससे पहले क्या होता था कि आपको सोशल, आई एम अ सोशल एनिमल, आई वांट टू गो आउट, स्टे इन ग्रुप, स्पेशली पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज्यादा बाहर के लोगों से बात करते हैं, जिनको अकेले नहीं रह सकते, उन लोगों ने भी अकेले रहना, खुद से बात करना, खुद से कुछ ना कुछ चीजें ढूंढना शुरू कर दिया. दैट्स वन थिंग दैट वी हैव लर्न्ड कि किस तरीके से आप अकेले रह सकते हो. मतलब एक ना एक चीज तो सबने सीखी ही है, दैट इज फॉर श्योर. नंबर चार है चेंजेस इन रिलेशनशिप. एक मीम बहुत फेमस हुआ था जहां लिखा था कि दो लोगों का बिजनेस बहुत चलने वाला है जैसे ही COVID-19 खत्म होता है. पहला है ब्यूटी पार्लर और दूसरा है डाइवोर्स लॉयर्स. अब ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप खराब होंगे. मेरे हिसाब से बहुत सारे रिलेशनशिप जो है वो सही हो जाएंगे. क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले हम अपनी फैमिली को कितना टाइम देते थे, करीब करीब 2-3 घंटे, क्योंकि 7-8 घंटे तो हम सोते थे. 10-11-12 घंटे के आसपास जो है हमारा ऑफिस में और ट्रैवलिंग का टाइम लगता था, और बाकी टाइम जो बचता था वो हम अपने आप को देते थे और फैमिली को देते थे. तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे या 3 घंटे हम अपनी फैमिली को दे पाते थे. अब क्या है, अब करीब करीब अगर आप सोना हटा दो 8 घंटे का या 9 घंटे का, तो 14-15 घंटे जो है हम अपने फैमिली वालों को देते हैं. हम उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो कई चीजें जो है हमें अपने फैमिली के बारे में पता चली है. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो हर इंसान के रिलेशनशिप के अंदर आ जाएंगे जैसे ही हम इस सब चीजों से बाहर निकलेंगे. और सिर्फ इंसानों का इंसानों के साथ रिलेशनशिप नहीं, कहीं ना कहीं इंसानों का जानवरों के साथ भी. हम लोगों ने एकदम गदर मचाया हुआ था कि यू नो हम टाइगर्स बचाएंगे, हम डॉग्स को बचाएंगे, हम सब कुछ बचाएंगे. वी डिड नॉट नो कि हमको कौन बचाएगा. नाउ वी अंडरस्टूड दैट यू नो दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नेचर. तो जिस तरीके से हम लोग जानवरों को, एनिमल्स को पहले देखा करते थे और जो अब हो जाएंगे उसमें काफी फर्क आएगा. सो आई थिंक वी विल हैव मोर ऑफ एन इक्वालिटी रिलेशनशिप विद देम रादर देन फीलिंग आवर सेल्फ सुपीरियर कि हम तो ऊपर है आप नीचे हो. सो दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज व्हेन वी आर आउट ऑफ दिस सिचुएशन. नंबर 5 है चाइना. जिस हिसाब से हम लोग चाइना को देखते हैं अभी और जिस हिसाब से हम चाइना को देखेंगे बाद में, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है. वैसे तो हर दिवाली पे, हर होली पे, हर फेस्टिवल पे हम लोग बॉयकॉट चाइना का एक जो है स्लोगन चला देते हैं कि चाइना से कुछ नहीं लेना. लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर्स के पास कुछ नहीं है, बिकॉज वी गो टू शॉपकीपर्स और शॉपकीपर को सबसे सस्ता सामान जो है वो चाइना से मिलता है. सो उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो चाइना के सामान में मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली चाइना से ही लेके आते. मगर इस वक्त अब जो है वो चाइना के प्रोडक्ट इतने ज्यादा नहीं बिकेंगे, या चाइना जो है वो काफी बड़ा एक एनिमी नेशन टाइप बन जाएगा हमारे लिए. और इसके पीछे कुछ रीजंस है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि जो चाइना है, फिलहाल चाइना को सिर्फ इंडिया ही बॉयकॉट करने की बात नहीं कर रहा, पूरी की पूरी दुनिया कर रही है. और जो भी US के लोग करते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड करता है उसको देख करके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कपड़े हैं या हमारे जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है वेस्टर्न वर्ल्ड से. मतलब हमारी सोचने का तरीका और बहुत सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड से इंस्पायर होता है. और अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं बॉयकॉट चाइना करने वाला. तो एक फैक्टर तो ये हो गया, राइट? एंड देयर इज अ रीजन व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज इवन सद्गुरु, इफ यू नो सद्गुरु, सेज दैट आई जनरली ट्रेन योगा इन इंडिया एंड इन USA, क्योंकि US जो करता है ना वही सेम चीज पूरी की पूरी दुनिया करती है. तो उनका मानना यह है कि US जाओ, US के लोगों को योगा सिखाओ, अगर उनको सिखाया तो पूरी की पूरी दुनिया सीख जाएगी. और वैसा ही होता है. और वो चीज यहां पर भी अप्लाई हो सकती है, बिकॉज US has started boycotting Chinese product and China as a nation. तो उसको देख करके हो सकता है कि हम और ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाए. दूसरी चीज ये है कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा नेशनलिज्म आया, पेट्रियोटिज्म आया. And you know, because of that, movies like Uri, movies like Tanaji,
these movies have really had a great success क्योंकि लोग इस तरह की मूवी देखना चाहते हैं, they have this kind of a spirit now. तो अगर आप देखोगे आजकल जितनी भी मूवीज आती हैं उसमें नेशनलिज्म और पेट्रियोटिक जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. अब एक और पॉइंट क्या है कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान जो हमारा इतना प्यारा दुश्मन है उसको कोई भी सपोर्ट करता है, उसके लिए कोई भी कोई सहानुभूति दिखाता है, उसके अगेंस्ट हम वैसे ही खड़े हो जाते हैं. सो दैट इज अनदर फैक्टर. और तीसरी चीज जो है ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब हमें क्यों उसको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया कर रही है और पाकिस्तान का साथ देता है. सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी कि जब हम उसके प्रोडक्ट बॉयकॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बढ़नी शुरू होगी और बहुत सारी जो दुनिया है उसको चाइना का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा और वो ऑल्टरनेटिव जो है वियतनाम, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह की जो कंट्रीज जो एशिया के अंदर है जहां पर लेबर चीप है, जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, हम लोग ही उसको पूरा करने वाले हैं. इन एनी वे जब हम ये सब कुछ खत्म होने के बाद चाइना को अपोज करना शुरू हो जाएंगे और हम नहीं पूरी की पूरी दुनिया करनी शुरू हो जाएगी तो हमारे पास बिजनेस आने की अपॉर्चुनिटी है. सो बॉयकॉटिंग चाइना वुड बी अनदर फैक्टर. अब अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट जो है ना वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, तो उनको स्क्रैच से शुरू नहीं करना, बस उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और COVID-19 से ज्यादा बड़ा पुश कोई नहीं हो सकता था उसके लिए. फिलहाल बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट लेवल पे काम करना शुरू कर दी है. हमारे घर के अंदर कई घरों में ऑलरेडी जो है रोबोट्स काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस अलेक्सा, व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे? Right now, in New Delhi, Delhi, it's 37 degrees Celsius. Tonight, expect a low of 23 degrees. Right, so these kind of robots have already occupied us. और अगर हम अभी की टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन देखें, वैसे तो हम कहते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन अगर हमें कोई वीडियो कॉल करनी है और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है या फिर कोई हमें मीटिंग करनी है तो बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उस कॉल के अंदर जो है वो हम आपस में ढंग से बात नहीं कर पाए, कौन सा वाला सॉफ्टवेयर यूज करें, कौन सा सिक्योर्ड है, कौन सा नहीं है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस जो हमने अब आइडेंटिफाई किया है कि अगर हम आइसोलेट हो गए, एक दूसरे से नहीं मिल पाए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम बहुत सीमलेसली लोगों से बात करके कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं. तो अब जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शायद हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो उस पॉइंट पर चलेंगे या उस तरफ चलेंगे जहां पर वो इस तरह की टेक्नोलॉजी और उसको इतना एडवांस करने की कोशिश करेंगे कि अगर लोग काम नहीं कर पाए, अगर लोग जो हैं वो किसी भी और रीजन की वजह से फ्यूचर में घर पे बैठे तो हमारे रोबोट्स ही बहुत सारे काम कर दे. जो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी रोबोट्स जो है डिप्लॉय करने शुरू हो गए और यहाँ पर हमको एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी जो जॉब है वो सारी की सारी रोबोट्स के पास जा सकती है. जो अगली चीज है वो है मेडिकल इन्वेस्टमेंट. COVID-19 के बाद हमें ये समझ आ गया है कि हमको अगर और जीना है, हमको अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस फ्यूचर में भी आ सकते हैं, क्योंकि गलती सिर्फ एक बार होती है, कोई और किसी और तरीके का सूप पिलेगा और वो पूरी की पूरी दुनिया में उसका वायरस फैल जाएगा. उसका मतलब ये है कि हमको ऑलरेडी प्रिपेयर होना है इन चीज़ों के लिए. सो बहुत सारी कंट्रीज जो है हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देंगी, अपने जीडीपी का शेयर जो है वो ज़्यादा लगाएंगी मेडिकल पे, वायरोलॉजी पे, वायरस को ज़्यादा रिसर्च करने, क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी वायरस के फैलने से पहले ही उसका इलाज होगा तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो वो बहुत लंबा जाएगी. किसी भी वायरस की वैक्सीन बनने में या उसका ट्रीटमेंट बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि पहले उसको बनाया जाता है, फिर उसको एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ह्यूमंस पे टेस्ट किया जाता है, फिर उसको अप्रूव करके उसका मास प्रोडक्शन किया जाता है. इसमें करीब करीब कम से कम 18 महीने लगते हैं. तो अगर अभी भी कोई वैक्सीन बनती है या ट्रीटमेंट बनता है उसको पूरी दुनिया में फैलने में करीब करीब 18 महीने से 2 साल लग सकते हैं. सो इसका मतलब ये है कि हमको पहले से ही तैयार होना होगा नेक्स्ट वायरस के लिए या फिर नेक्स्ट फाइट के लिए. सो बहुत सारी इकोनॉमीज, बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर्स, we will be investing more on medical and research to avoid the future virus that might come in. इससे पहले एक बहुत जो बड़ा वायरस आया था, बहुत ज़्यादा फैला था, वो इबोला था. उससे पहले मर्स था, उससे पहले सार्स था, उससे पहले स्पेनिश फ्लू था. सो बेसिकली वायरसेस दे हैव बीन कमिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम
और अब हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम पहले से आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं जैसे ही COVID-19 हो और हमारी दुनिया इस तरफ चल पड़े। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप प्रिडिक्ट करते हो दैट कैन हैपन व्हेन दिस क्राइसिस इज ओवर? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल पर्सनली हैव अ लुक एट दोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर वॉचिंग अस ऑन YouTube, यू कैन सब्सक्राइब अस। इफ यू आर वॉचिंग अस ऑन Facebook, यू कैन फॉलो अवर पेज। यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram ऑल्सो। Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next one.